मिस्टर हर्ष महाजन, आई एम फ्रॉम जबलपुर MP, और हम लोग 7 मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में. 1 इज चंडीगढ़, 2 इज राजस्थान, 3 इज नासिक, 4 जबलपुर MP, 5 इज आमोद गुजरात, देन उड़ीसा कटक, एंड लास्ट वन इज चित्तूर इन साउथ. दीज 7 आर द वी आर प्लेयर्स इन इंडियन एरिया. प्रीवियसली वी आर मेकिंग सम डिफरेंट नेम्स ऑफ आइस क्रीम्स. नाउ वी आर टूगेदर एंड मेक सिंगल नेम इंडियन डेयरी आइस क्रीम. और हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल के इस नाम को आगे बढ़ाने का सोचा हुआ है, और इसको हम लोग चाहते हैं कि इंडिया लेवल तक लेके आए. तो इसलिए हम लोग सब इस पर मेहनत कर रहे हैं, और इंडियन डेयरी को इंडिया में बताना चाहते हैं कि इंडिया डेयरी इंडिया की ही आइसक्रीम है, और बहुत अच्छी आइसक्रीम. हम लोग पहले से दोस्त थे, और उसके बाद हम लोग सोचते थे कि आने वाला टाइम बहुत कॉम्पिटिटिव है, और मल्टीनेशनल कंपनीज अगर आती है तो उनसे फाइट करना हम लोग के लिए इतना ईजी नहीं रहेगा. तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग एक बड़े ब्रांड के बराबर बन सामने फाइट कर सकें. तो हम 7 मेंबर्स लोगों ने मिल के ये डिसाइड किया कि अपन क्यों ना एक ब्रांड बनाते हैं, और एक ब्रांड के नीचे रह के काम कर सकते हैं. उसमें हम लोग को सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि हम लोग के जो इंडिविजुअल एक्सपेंसेस थे वो हम लोग ये सब अभी ना 7 मेंबर्स में डिवाइड हो गए. आज अगर कोई 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो हम लोगों को मान के चलिए 1.5 लाख रुपया वो हम लोग ईजिली अफोर्डेबल है. आज अगर कोई मैं अकेला होता और 10 लाख ऐसे 4 इन्वेस्टमेंट्स हो जाते तो सीधे हम लोग को 40 लाख का आता. तो हम लोग के लिए बड़ा कम्फर्टेबल हो गया. फिर हम लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज नए नए प्रोडक्ट लेके आ रही है, तो हम लोग वो प्रोडक्ट लेके आने की पोजीशन पे आ गए हैं. कुछ हम लोग की इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिनके पास इंडिया लेवल की मशीन्स हैं, तो वो मशीन्स से जो प्रोडक्ट निकलता है वो हम सब लोगों को ईजिली कम्फर्टेबली अवेलेबल हो जाता है. भले मैं नहीं बना रहा हूँ प्रोडक्ट, बट इंडिया लेवल का जो आइसक्रीम है वो हम लोगों को अवेलेबल है. ये हम लोग को बेनिफिट. हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही है कि इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है और लोगों को आज की तारीख में 2 पैसे का मार्जिन चाहिए. हम लोगों के जो कंबाइंड होने के कारण जो हम लोग के एक्सपेंसेस हम लोगों को कम हुए हैं, वही हम लोग अपने कस्टमर को फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो हम लोगों को इसका बेनिफिट तो डेफिनेटली है. सेकेंडली, हम लोगों की 7 स्टेट्स में इंडस्ट्री होने के कारण जो लॉजिस्टिक हम लोगों को आता है सब, जो सबसे एक्सपेंसिव होता है, वो हम लोगों को बहुत कम हो जाता है. तो हम लोग थोड़ा सा गेम प्ले कर लेते हैं अपने कस्टमर के लिए. फ्लेवर और टेस्ट में सबसे बड़ा बात ये होती है कि प्लांट अलग अलग होने के कारण सब लोगों को फ्रेश आइसक्रीम अवेलेबल हो जाती है. अब होती आइसक्रीम एक जैसी है, मगर क्या होता है कौन सी आइसक्रीम कितनी फ्रेश है वो बहुत डिपेंड करता है. वो क्रीमीनेस, वो फ्रेशनेस आदमी को बहुत ईजिली मिल जाती है. तो वो हम लोगों को थोड़ा सा लगता है कि हम लोग की आइसक्रीम दूसरों से डिफरेंट है. नेक्स्ट गोल अभी नहीं बता पाऊंगा. मुंबई में लॉन्च कुछ जगह पे हो गई है. आने वाले नेक्स्ट ईयर में लॉन्च हो जाएगी.